गुलाबो ही नहीं, गुलाबो तो थी ही, चंद्रावल थी, बहुरानी थी, सांझी थी, जर्जरूर जमीन थी। जी का बात है गया, आजकल बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाते हो का? सलाम भाई, वो कमाल हो गया है। गलत चीज़ नहीं आई कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो मेरी पूरी टीम को और पूरे हरियाणा वासियों से गुजारिश है कि आप सब लोग जरूर तिवारी चौंधर समझाए काम को। देख हमारा खून खोल रहा है, तू बस इतना बोल दे वहाँ बच्चा आया था। मेरे भाणजियों ने, भतीजियों ने, भतीजों ने, भतीजिया ने और भाणजों ने, भाई भाइयों ने, बहनों ने, सब ने देख लिया है। Yardley, knock his bloody head off. छोड़ करके, तो इसीलिए को सारी फिल्में फ्लॉप जा रही थी। तो जब हॉल में ऑडियंस जा ही नहीं रही थी तो मैं रिलीज करके क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी कि दिमाग में गोली लगने की वजह से बहुत गहरा नुकसान पहुंचा है, उनकी मौत कभी भी। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। आज आप फ्रेम है जी शख्स ना देखने लग रहे हो भाई, परिचय कराने की जरूरत नहीं है। अगर हम परिचय कराने बैठे हैं तो हमारे सब थोड़े पड़ जाएंगे। हमारे साथ बैठे यशपाल शर्मा जी, तो यशपाल शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। नाम राम राम भाई सारे ने, मेरी सारे दर्शकों ने और आपने भी जी। तो सर जी आपकी बहुत सी फिल्में देखी हमने, जैसे गंगा जल होगी, अपहरण होगी, रावड़ी राठौर, लगान, जीना तो ठोक दल, बहुत सी सर ने सैकड़ों हजारों फिल्म बनाई है। तो अब सर कर रहे हैं काम हरियाणा खातर, हरियाणा खातर बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्म भी आई है, दादा लक्ष्मी चंद आई है, पगड़ी आई है और अब स्टेज ऐप पर बहुत ही अच्छी वेब सीरीज आने लग रही है कॉलेज कांड। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज कांड एक वेब सीरीज़ है जो स्टेज ऐप पे शुरू हुई है 19 तारीख से और कमाल का कंटेंट है, बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, म्यूज़िक भी कमाल का है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कमाल का है, डायरेक्टर भी नेशनल अवार्ड विनर हैं, एक्टर भी तीन दो और राइटर भी नेशनल अवार्ड विनर हैं और नए नए जो लड़के आए हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। एक एक बंदा हरियाणा में छोटे से छोटा रोल करने वाले ने भी कमाल किया है। तो मेरे अनुभव के अनुसार जन मैं इतना काम कर चुका हूँ, रीजनल लेवल पे इस टाइप का काम होना बहुत बड़ी बात है और हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि इतना अच्छा कंटेंट और इतना अच्छा वेब सीरीज आपको देखने को मिल रहा है। तो यशपाल सर, गुलाबो जो चंद्रावल फिल्म आई थी, गुलाबो फिल्म आई थी, उसके बाद जो अपना हरियाणवी फिल्म सिनेमा था वो बंद सा हो गया था, उसके बाद फिल्म ने बनना बंद हो गई थी, लेकिन आप दोबारा तय सिनेमा में फिल्म लेकर आए हो लक्ष्मी चंद, उसका भी जो जनता है बहुत ही बेसब्री तक इंतजार करने लग रही है और अब आएगी कॉलेज कार्ड जो हरियाणा का लेवल नीचे उठाकर ऊपर तक ले जाने लग रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? हाँ नहीं, सिर्फ गुलाबो ही नहीं, गुलाबो तो थी ही, चंद्रावल थी, बहुरानी थी, सांझी थी, जर्जरूर जमीन थी, छैल गले जांगी थी, लड्डो थी, बहुत सारी फिल्में आई हैं बीच बीच में जो बहुत अच्छा काम किया है जिन्होंने। और लेकिन उसके बाद लड्डो का एक बार लंबा गैप पड़ गया, सूखा पड़ गया, फिर कहीं जाके पगड़ी, सतरंगी, छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती फिल्में आई जिन्होंने एक सूखी मिट्टी में थोड़ा सा छिड़काव किया और अच्छा काम, लेकिन ऑडियंस नहीं मिली बदकिस्मती से कि फिल्में अच्छी थी सारी। तो लेकिन अभी दादा लक्ष्मी फिल्म से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और नवंबर में रिलीज़ है फर्स्ट हाफ में, तो अच्छा काम करेंगे क्योंकि अच्छी बनी है, नेशनल अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है, ये भी हो गया। लेकिन इस वक्त कॉलेज कांड का जो वो सीरीज़ है मेरे को उससे सब बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत सारी, क्योंकि उसके रिएक्शन कमाल के आ रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है मतलब, और लोगों को जो रिएक्शन जिस तरीके के हैं कहीं एक से भी कहीं भी गलत चीज़ नहीं आई कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो मेरी पूरी टीम को और पूरे हरियाणा वासियों से गुजारिश है कि आप सब लोग ज़रूर देखें उसको और देख के बताएं कैसा लगा, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर क्या है आपके रिएक्शन। जी सर, इस पर सर आजकल लोग के कर रहे हैं ज़्यादा हिट होने खातर वल्गरिटी सब ज़्यादा यूज़ कर, वल्गरिटी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बता कि लोग ज़्यादा ज़्यादा देख कर हमारी चीज़ ज़्यादा ज़्यादा चल रहा है, तो इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, इसमें ऐसा कोई वल्गर चीज़ नहीं है,
द फैमिली मैन में जैसे छोटी छोटी गालियाँ हैं बीच बीच में मनोज वाजपेयी की या किसी की, या पाताल लोक में गालियाँ हैं थोड़ी बहुत छोटी छोटी, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं, ताकि ताकि आपको गाड़ी पर ध्यान ना जावे, उस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी वल्गर 1% भी नहीं है, हमने पूरे फैमिली ने बैठ कर देखा है, मेरी पूरी फैमिली ने सब्सक्राइब करके देख लिया है, मेरे भाणजियों ने, भतीजियों ने, भतीजों ने, भतीजिया ने, और भाणजों ने, भाई भाइयों ने, बहनों ने, सब ने देख लिया है, और सब ने मतलब एकदम टिच रिएक्शन आया है। तो जब फैमिली में ऐसा हो जाता है तो समझो इसका मतलब पूरी दुनिया ने आया, क्योंकि पहले सबसे आपके दर्शक जो है वो आपकी फैमिली होती है। तो मुझे है उम्मीद के, लेकिन ऐसा होता है तो पाँच दिन हो गए रिलीज़ हुए, 4-5 दिन हो गए तो वैसा रिएक्शन आ जाता है। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है कि गलत है या कहीं भी, क्योंकि 100% पॉजिटिव रिएक्शन है। तो बात आवा सर लक्ष्मी चंद फिल्म की, वो अभी तक क्या नहीं आना, पर इसमें किसी की प्रॉब्लम हो रही है कि वो फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई? नहीं, उसको 1 साल हो गया बनी हुई ने, तैयार हुई ने, लेकिन लॉकडाउन था, सेकंड वो आ गया, फिर सोचा तो फिर वो हो गया, फिर अभी भी कोई भी फिल्म हिट हो नहीं रही थी, सिर्फ RRR पुष्पा को छोड़ करके, तो इसीलिए को सारी फिल्में फ्लॉप जा रही थी। तो जब हॉल में ऑडियंस जा ही नहीं रही थी तो मैं रिलीज़ करके क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूँ। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है, कोरोना का भी डर और वो सारा डर, तो अब मैं नवंबर में 1.5 महीने बाद रिलीज़ करने जा रहे हैं हम लोग, नवंबर फर्स्ट हाफ में, 11 नवंबर या 18 नवंबर या 4 नवंबर शायद। तो फिल्म हाँ OTT पे नहीं, सिनेमा घर में, सिनेमा घर में रिलीज़ करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूज़िक और बहुत बड़ी फिल्म एक आ रही है हरियाणा में, थोड़ा ऐसा कम ही होता है। तो एक और सवाल सर मेरा, जनता सबका बड़ा यूज वाला एक रहा है, जो एक कलाकार हुआ है उसको उनको तीनों को निभेरा होता, और कौन सा गांव था बिलोंग करा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी तहसील था, मतलब इस बारे में बताओ, आपका गांव कौन सा और आपका जिला कौन सा? नहीं, मेरा तो हिसार है प्रॉपर, और वहीं पैदा हुआ हूँ मैं, और जब छोटा था हिसार तब हिसार में ही था तब तक मैं, उसके बाद चंडीगढ़ गया पंजाब यूनिवर्सिटी में और 1 साल किया, फिर मैं दिल्ली गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, वहाँ 3 साल ट्रेनिंग करी, फिर दिल्ली में ही 2 साल रिपेट्री में रहा, फिर उसके बाद में उसके बाद बॉम्बे चला गया 3 सितंबर 1996 अच्छा, बॉम्बे चला गया था। उसके बाद में बस 3 साल धक्के खाए, 4 साल धक्के खाए, फिर धीरे धीरे पहली फिल्म मिली। हमारा तो कोई माई बाप है नहीं, तो हमने तो खुद ही स्ट्रगल करना पड़े, ना तो हमारा बाप कोई स्टार है, ना कोई प्रोड्यूसर है, ना कोई लॉन्च करनी है तो हम तो खुद ही लॉन्च होंगे धीरे धीरे। जो आपका कॉलेज कांड आवागा उसमें आपका क्या? कॉलेज कांड में मैं बता रहा हूँ, जे जोगेंद्र जाखड़ करके एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है पुलिस में, उसका रोल है जो स्टूडेंट लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं उनको मतलब सिद्ध करने खातर एक लठ चाहिए था, तो वो लठ मैं हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखो तो मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि बहुत टाइम के बाद मुझे कोई रोल करने में इतना आनंद आया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हरियाणवी है, ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल टाइप का है कुछ, बहुत खतरनाक। तो लोग कन्फ्यूजन रहो जी, आपको सब्सक्राइब करो स्टेज ऐप ने, तो आज का लोग सब्सक्राइब बटन है कि यूट्यूब वाला बैठ रहा है जी भीतर है कि सब्सक्राइब करो चैनल लाइक करो यो करो, सब्सक्राइब का मतलब बताओ। यो बहुत अच्छा सवाल कराया है, यो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है भाई, जो आपने प्ले स्टोर में जा करके या लिंक कहीं से मिलेगा इसका स्टेज ऐप का, उसको खोलना है। पहले तो प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ स्टेज लिखो, स्टेज हरियाणवी, तो आपके पास वो आओगा एक स्टेज हरियाणवी का लोगो, आप उसको इंस्टॉल करो, डाउनलोड हो गया, अब वो पूछेगा कि भाई आगे के करना है पे अब सब्सक्राइब, तो आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो आपके अंदर आपको बोलेंगे 399 रुपये, फिर वो आप बोलेंगे डिस्काउंट कोड, उसमें डिस्काउंट कोड लिख दो कॉलेज 30, तो 30% डिस्काउंट हो जाएगा और आपको वो पड़ेगा 370-72 या कुछ ऐसा पड़ेगा, और 372 रुपये का पड़ेगा। तो 365 दिन हो हैं तो 1 रुपया 1 दिन का भी नहीं होया। तो यो है सब्सक्रिप्शन कॉलेज उसका कॉलेज कांड देखने के लिए और बाकी चीज़ें देखने के लिए स्टेज ऐप का। तो कहीं ये नहीं है कि YouTube में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, दबा दिया और हो गया, घंटी दबाई हो गया, ऐसा नहीं है भाई। हाँ चल ठीक है, थैंक यू भाई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मंजीत, थैंक यू भाई, सारे दर्शकों ने राम राम।